सम्मानी सज्जनों, आपके सामने अंतिम प्रस्तुति है और शाम का वक्त हो चुका है। गुरुजी आइएगा, चलते हैं। इतनी पवित्र जगह पे आप सभी बैठे हुए हैं, लेकिन अब युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। और सुनिएगा, कलयुग में केवल क्या काम आएगा इस इंसान के, कवि ने बड़ी सुंदर बातों में लिख दिया है। और सुनिएगा कहना है कैसे। कि राम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न को, कि अपने बल रावण बड़े और लंका दीनी हो। और कहना है अंत में यही आएगा तेरे काम, बहुत अच्छा गुरु जी। और कहना है अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। जिनके मुख नहीं रहा और ये प्रोग्राम विसर्जन की हो रहे हैं, सभी धीरे धीरे तालियों के साथ मनोरंजन करते रहे, आनंद लेते रहे। कहना है अरे वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं रहा, क्यों वो पत्थर भी तर जाएगा रे, वो पत्थर भी तर जाएगा, वो पत्थर भी तर जाएगा जिस पे लिखा नाम का नाम, नाम से नाम का नाम, नाम से सके नाम, बिना सेतु के सागर को भी लांग सके I'm
आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना भी आज कैसे क्यों इस कलयुग में हर इंसान को चिंता होती है, किसी को चिंता बेटी की, किसी को चिंता धन की, किसी को चिंता रहती है बिजनेस की। लेकिन सुनिएगा, चिंता चिंता से भरकर होती है कि कितने भी कमा लो हीरे मोती, पर याद रहे प्यारे कफन में जीव नहीं होती। अरे मौत की गोद में एक दिन सोना होगा, ना कोई तकिया होगा और ना कोई बिछोना होगा। क्यों कहना है, नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदना। ये लड़का अशोक खंसवारा ये भजनों का बहुत ही शौकीन है, बहुत ही अच्छा, इसलिए इसको बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहना है अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से चार लाना आ जाने दे फिर क्या बात। अच्छा जी, हाँ लगे में लगे हो, बहुत अच्छे। और कहना भी यारी कैसे,
जानते कहना कैसे मेरे आदरणीय रमेश चाचा जी दे रहे हैं आशीर्वाद की कामना करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या